अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक ईमेल सेंड की हो और आप जब सेंड कर लें तब आपको आइडिया हो कि इसमें तो कोई मिस्टेक है या ये अनकम्प्लीट एक ईमेल है जो सेंड हो गई है और आप चाहें कि किसी तरीके से इसको अनसेंड कर सकें? तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी ही एक ऑप्शन के मुतल्लिक देखेंगे जिसकी थ्रू आप अपनी सेंड ईमेल को एडिट या अनसेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अगर अपनी जीमेल ओपन करें तो लेट्स सपोज मैं एक ईमेल लिख करता हूं अपने ही आपको, तो XYZ। तो अभी आप देख रहे हैं मेल सेंड हो चुकी है और ये 5 सेकेंड्स का टाइम आता है और उसके बाद ये देखें। अभी आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है अनडू सेंड, ये कितने सेकंड है, 5 सेकंड। आपने इसको क्या कर देना है, 30 सेकंड्स के लिए कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पे जाके सेव चेंजेस कर देंगे। तो अब अगर आप देखें, दोबारा मैं एक ईमेल क्रिएट करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये देखें सेंड हो गई है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है अनडू की। ईमेल आपकी सेंड हो चुकी है, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास 30 सेकंड्स रहेगी। आप 30 सेकंड्स में चाहें तो अपनी ईमेल को अनसेंड कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा अनडू और ये देखें दोबारा दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये देखें सेंड हो गई है, अनडू पे क्लिक किया तो ये वापिस आ गई है। तो आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होता है, इसके अंदर आप अपनी ईमेल को अनसेंड कर सकते हैं। या मैं आपको ये बताता चलूं कि आपकी अगर कोई मेल सेंड हो चुकी है और 30 सेकेंड्स का टाइम गुजर चुका है, देन अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं आया कि आप अपनी ईमेल को अनसेंड कर सकें या उसको एडिट कर सकें। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि अपनी सेटिंग्स में जाके इस टाइम को 30 सेकेंड्स कर दें, ताकि आप 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप देख लें, अगर आपको कोई लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।